मैं नीचे जा रहा हूँ या कुर्सी नीचे जा रही है? What the? Okay, what I'm nice and low now. Okay, let's go. At least we're now. Yeah. Hi. Yeah. I planned this. Huh. Okay. Sorry. Please start again. हाँ बहुत लंबा टाइम हो गया दैट राम एंड आई हैव वर्क टुगेदर नाउ वर्क टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो अच्छा फीलिंग है एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन क्योंकि ये सब चीज़ें सेट पे होता था लेकिन टू डू इट ऑन अ शो एंड टू बी ऑन हिज शो एंड हियर टू सपोर्ट यू यस सनी और मैं हम दोनों की फिलॉसफी सिमिलर है वी बोथ लव हैविंग अ गुड टाइम व्हाइल वी वर्क we love laughing, we love making the situation light. I've never wanted to take my work too seriously. And she's like that as well. So we have a lot of fun in between shots. We did that during the film as well. We did that today again. I missed her, so it was good fun. I know. And what your comfort level at, you know, to have fun and not worry about kya face bana rahi hu, kya face nahi bana rahi hu, or just being able to have fun is it's a great feeling. बस इतना मैं इट्स योर शो गो फॉर इट सॉरी कॉमेडी हाई स्कूल इस शो का नाम है जो एक कॉमेडी शो है लाइव फॉर्मेट कॉमेडी शो है इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस मेरे लिए पहली बार है आई हैव डन थिएटर बिफोर बट दिस इज लाइक टेलीवाइज थिएटर और मुझे बहुत मजा आ रहा है अभी अभी शूटिंग शुरू हुई है टुडे इज जस्ट द सेकेंड एपिसोड But I'm having a lot of fun. It's challenging. ये मेरे comfort zone के बाहर है. But I like challenging myself. मुझे बहुत मजा आ रहा है. I really have a lot of expectation from the show. लेकिन I think audience को भी बहुत पसंद आएगा. Fingers crossed. Ram, like you said, ये बहुत ही challenging है. Serious role से ज़्यादा challenging रहा comedy करना क्योंकि audience को हंसाना वाकई challenge. बिल्कुल सही कहा आपने. मेरे हिसाब से कॉमेडी करना सबसे कठिन होता है हालांकि कुछ लोग सीरियस स्टफ ज़्यादा आसानी से करते हैं कुछ लोग कॉमेडीज आसानी से करते हैं फॉर मी कॉमेडी बहुत हार्ड हुआ करता है बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू मेक पीपल लाफ मैं पूरी तरह से जानता हूँ इस बात को लेकिन जैसे कि मैंने कहा मुझे अपने आप को चैलेंज करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई थिंक एन एक्टर ग्रोज इफ़ यू कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ तो मैंने एक चैलेंज की तरह इसको स्वीकार किया उसके ऑफ कोर्स रीजंस थे देयर इज डिस्कवरी चैनल इन्वॉल्व हुम आई लव देयर इज सॉल इन्वॉल्व देयर इज भरत जी इन्वॉल्व दीज आर पीपल आई फील सेफ मैं बहुत सेफ फील कर रहा हूँ आई एम फीलिंग इन द एग्जैक्ट एनवायरनमेंट जहाँ पर मुझे ये ट्राई करना था सो आई एम नर्वस बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड यू आर गोना बी जस्ट फाइन हाँ जी बच्चे, 20 kids. I mean, it's the joke is that my character is playing a character that is supposed to be part of a film, and she thinks those 20 बच्चों, वो 20 बच्चों जो है, it's actually a classroom of students. So अगर आपका mind गड़बड़ में है, मैं कुछ नहीं कर सकती. Serious. यस जैसे कि मैंने कहा मैं ये मेरे कंफर्ट जोन के बाहर ज़रूर है लेकिन मुझे खुशी इस बात की मिल रही है कि मैं जो शो कर रहा हूँ इट्स अ वेरी क्लीन शो मेरे बच्चों ने हमेशा मुझसे कहा है कि डैड डू अ कॉमेडी दैट वी कैन वॉच एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये शो मेरे बच्चे देख पाएंगे मेरे साथ बैठ के देख पाएंगे बिकॉज इट्स अ क्लीन शो कुछ अंडर द बेल्ट डबल मीनिंग वाला बिल्कुल नहीं है इसमें सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट क्योंकि मैं अगर इंडियन टेलीविजन में कॉमेडी करूँ तो ऐसी कॉमेडी ही करना चाहूँगा सो यस आई वुड नॉट से नर्वस बिकॉज मैं नर्वस ज़्यादा होता नहीं हूँ आई एम वेरी एक्साइटेड लेकिन चैलेंज तो है तो ऑडियंस किस हद तक स्वीकार करेगी ये मैं नहीं जानता आई कैन जस्ट होप एंड मैं बताती हूँ करेंगे शी इज द बेस्ट बहुत पॉजिटिव है नो शी इज वेरी पॉजिटिव इवन सेट पे शी इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी So, like I said, I'm just keeping my fingers crossed, but I'm trying my hardest. अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि हाई स्कूल ड्रामा है यहाँ पे तो कुछ बचपन की मेमोरीज आप दोनों की ताज़ा होती है हाई
मैं हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा मस्तीखोर था. मैं अपनी प्रैंक्स के लिए जाना जाता था. टीचर्स बहुत मारा करते थे मुझे, बट द स्टूडेंट्स यूज्ड टू रियली लव मी. मेरे हाई स्कूल के इयर्स मेरे सबसे बेस्ट इयर्स रहे थे. एंड इन अ सेंस आई एम रीलिविंग दैट टाइम, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत मस्ती होती है. हमारी स्क्रिप्ट में तो मस्ती है, बट ऑल दी एक्टर्स वी रियली गेट अलॉन्ग वेल और बहुत एक दूसरे की खींचते रहते हैं. तो सेट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस. इट्स फुल ऑफ लाफ्टर, इट्स फुल ऑफ फन, एंड ऐसा ही होता है अच्छा काम. द वे आई सी इट, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं सब लोग, एंड वी ट्रस्ट ईच अदर. दैट इज़ व्हाई वी ट्राइंग टू डू गुड वर्क. आपका हाई स्कूल का टाइम कैसा था? सॉरी, मेरा थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया आप लोगों के लिए. मैं बिल्कुल ऑपोजिट थी फ्रॉम व्हाट राम जस्ट सेड अबाउट हिमसेल्फ. आई वाज वेरी शाय एंड आई वाजंट आउटगोइंग एट ऑल. इट वाजंट टिल वेरी मेनी इयर्स लेटर दैट आई फाउंड दैट एबिलिटी टू बी मोर आउटगोइंग. नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं माना है मैंने. चैलेंजिंग बहुत है बिकॉज मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है. यू नो मैं पिछले 18 साल से इंटेंस शोज और ड्रामास करते आया हूँ या रोमांटिक करते आया हूँ, जिसका रिदम अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है, और ऐसा लाइव फॉर्मेट नहीं होता. ये इस शो का रिदम अलग है, एनर्जी लेवल्स जो रिक्वायर्ड है अलग है, प्लस लाइव ऑडियंस के सामने है, तो हर चीज़ अलग है इसमें. एंड आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली, क्योंकि मैं अगर अपने कंफर्ट जोन के बाहर कुछ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट एज बेस्ट एज आई कैन. क्योंकि अगर अच्छा नहीं करूँ तो करूँ ही क्यों. सो आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट, बट आई एम वेरी लकी. आई हैव अ वेरी गुड कास्ट अराउंड मी जो बहुत ही माहिर हैं और कॉमेडी सालों से कर रहे हैं. सो I think लोग इसे स्वीकार करेंगे. जी, उस बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, कभी नहीं सोचा है. टीवी में भी जब मैं एज अ ड्रामेटिक लीड एंड रोमांटिक लीड आया, मुझे बहुत लोगों के साथ कंपेयर किया गया, रौनित के साथ तो बहुत कंपेयर किया गया. आई डोंट एवर थिंक अबाउट दैट, बिकॉज फॉर मी चूजिंग द राइट प्रोजेक्ट और फिर जितना अच्छा उसको कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ. लोग चाहे कुछ भी कहें या कंपेयर करें इज नॉट रियली एनी ऑफ माई बिजनेस. सो दैट्स द सेम वे आई एम अप्रोचिंग दिस शो. आई वॉन्ट टू डू इट एज बेस्ट एज आई कैन. उसके बाद अगर लोग कंपेयर करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. यस, जो गेस्ट होंगे इस शोज में, गेस्ट जरूर होंगे और टीवी से भी होंगे, बॉलीवुड से भी होंगे, जैसे कि सनी आई है, शी इज अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर अस. ऐसे और भी गेस्ट, आई नो हु एल्स इज गोना बी देयर, एंड यू गाइस आर गोना लव इट. बी क्वाइट, नॉट मी, समबडी एल्स. बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. लेकिन मैं कहना चाहूंगा दैट द वे गेस्ट कम इन अदर शोज वेयर दे कम टू प्रमोट देयर फिल्म्स, इस शो में टू सम लेवल वैसा नहीं होने वाला, बिकॉज हियर दे डोंट कम एज देमसेल्व्स, दे कम टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्कूल और हमारी कहानी से जुड़ जाते हैं एक एपिसोड या दो एपिसोड के लिए, जैसे कि सनी जुड़ी. सो दे गोना कम एंड परफॉर्म विद अस एंड डू सीन्स विद अस इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड डूइंग क्वेश्चन आंसर्स टू प्रमोट समथिंग. सो होपफुली यू गाइस विल गेट टू सी समथिंग डिफरेंट विद गेस्ट्स. थैंक यू गाइस, थैंक यू.